चलिए आज हम चिकन सलामी सैंडविच बनाना सीखेंगे। आप दो स्लाइस ब्रेड लीजिए। आप या तो फिर तवे पे टोस्ट कर सकते हैं या तो फिर टोस्ट में टोस्ट कर सकते हैं। अब यह बहुत सिंपल सा मायोनीज स्प्रेड बनाएंगे। मायोनीज स्प्रेड के लिए आपको 2 से 3 चम्मच मायोनीज, 5 से 6 पुदीने के पत्ते अच्छे से धो के फाइनली चॉप कर लीजिए, पेपर और सॉल्ट, काली मिर्च और नमक स्वाद अनुसार अच्छे से मिलाकर उसको आप रख लीजिए। फिर आप मायोनीज स्प्रेड को दोनों ब्रेड स्लाइसेस में लगा के रख लीजिए। अब आप टमाटर के पतली पतली स्लाइसेस काट के मायोनीज स्प्रेड के ऊपर अरेंज कर लीजिए। फ्राइड अनियंस के लिए इसको फाइनली चॉप कर लीजिए और जितने धीमे आंच पर आप पका सकते हैं उतने धीमे आंच पर पकाइए और हल्का सा एक पिंच सॉल्ट उस पर डाल दीजिए, उसे स्वाद बढ़ता है। अब सलामी स्लाइसेस लीजिए, उसको हल्के से फ्राई कीजिए। ज़्यादा फ्राई मत कीजिए, उसमें उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। बस अब जो दूसरा ब्रेड है जो टोस्टेड है उसमें जिसमें हमने मायोनीज स्प्रेड लगा रखा था उसको उस पर रख लीजिए। बस अब फिर काट के खा लीजिए। ये सैंडविच बनाने से पहले आप 3 चीज़ें तैयार रख लीजिए। एक तो मायोनीज स्प्रेड, दूसरा फ्राइड अनियंस और तीसरा फ्राइड सलामी स्लाइसेस। बस फिर क्या, फिर तो बस हमें असेंबल ही करना है। आप ये सैंडविच ट्राई कीजिए और बताइए मुझे आपको कैसा लगा। अरे सुनिए, जाते जाते जो सब्सक्राइब बटन जो लाल रंग का है उसे थोड़ा बेरंग करके जाइए। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और मैं आपके लिए इजी सिंपल रेसिपीज और टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी।